जो आपका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, ये इसकी दरअसल स्थापना कब से हुई है और ये किन विषयों में विद्यार्थियों को डिप्लोमा या डिग्री देता है और उससे उनका वो किस क्षेत्र में रोजगार का अवसर तलाश है? ये विश्वविद्यालय 2009 गुजरात असेंबली के एक्ट से स्थापित किया गया था और प्रारंभ में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय था। तत्पश्चात 1 अक्टूबर 2020 को यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है और भारतीय संसद ने इसको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दिया है और अब यह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में सुरक्षा, पुलिसिंग, अन्वेषण, व्यवहार विज्ञान और अन्य सुरक्षा संदर्भित विषयों के बारे में अध्ययन कराता है, जैसे डिप्लोमा इन पुलिस साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एमए इन क्रिमिनोलॉजी, एमए इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलएम इन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज, एलएलएम इन कोस्टल एंड मैरिटाइम लॉज। इस तरह से ढेर सारे ऐसे विषय हैं जिसको कि जब विद्यार्थी पढ़ करके बाहर निकलता है अपने सेवायोजन की तलाश में, तो उसको विभिन्न निकायों में, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे वो व्यक्तिगत निकाय हो, वहां पर अपने करियर को अच्छे ढंग से सजा सकता है और संवार सकता है। ये बताइए कि चूंकि पहले तो ये राज्य सरकार के अधीन था, जी। अब ये केंद्र सरकार के अधीन हुआ, तो ये अभी किस मंत्रालय के अधीन है और अब वो सारी उसकी जो अधिकार हैं वो उस मंत्रालय के पास ही, अभी भी राज्य सरकार का कुछ उसमें शेयर है? राज्य सरकार का हस्तक्षेप जैसे ही 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय संसद के द्वारा इसको एक केंद्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है, उसके पश्चात समस्त शक्तियां, चाहे वह सांपातिक हों चाहे वह अकादमिक हों या किसी भी तरह के भारतीय नियमन प्रणाली का हो, सब कुछ एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में समाहित हो गया है। ये बताइए कि इसमें जो आपकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मैं कुछ आईटी से जुड़े हुए या साइबर बाहर से जुड़े हुए कुछ सवाल करूंगा। जी देखिए, क्या है कि भारत का लगभग बहुत सारा डेटा वो इंडिया से बाहर जा चुका है। अब अगला जो भविष्य में युद्ध होगा विभिन्न देशों के बीच में, वो अब फिजिकल नहीं होगा, अब वो साइबर बार होगा। तो चूंकि आपके यहाँ पे इस तरह की कोर्स भी चलते हैं, तो उससे भारत पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, भारत को किसी तरह का नुकसान ना हो, भारत के डेटा को नुकसान ना हो, उस दिशा में आप किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, वैज्ञानिकीकरण के इस युग में शिक्षा निश्चित रूप से अपने आप को आधुनिकतम संसाधनों की तरफ ले जा रही है। जहां तक साइबर सुरक्षा की बात है, मेरे विश्वविद्यालय में एक सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा विभाग है, जिसको कि आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहा जाता है, जो कि सिक्योरिटी के विभिन्न पहलुओं के लिए हम एक लेबोरेटरी की स्थापना किए हैं, ओशियंट लैब है, हमारे यहाँ डाटा प्रोटेक्शन एक सेंटर भी है, जो कि हम विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो विभिन्न डाटा होते हैं उसको सुरक्षित करते हैं और कुछ गोपनीय महत्व के विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं। जहां तक डाटा प्रोटेक्शन की बात है, अभी तक यह कानून अस्तित्व में नहीं है, एक बार इस पे कानून बनाने की बात आ गई है, लेकिन अपने देश की जो आईटी जो व्यवस्था है, जो साइबर सुरक्षा है, निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ने में बहुत सक्षम है और विद्यार्थियों को एमटेक के माध्यम से और बीटेक के माध्यम से हम कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी पर कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे कि मेरे यहाँ दक्ष और प्रशिक्षित अध्यापक हैं जो कि इन सब पहलुओं पर गंभीर और विषयवार चर्चा करके इन समस्याओं को निपटने के लिए सक्षम है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारत की आधुनिकतम जो संचार व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी। ये फॉरेंसिक को लेकर भी आपका काफी कुछ कोर्स चल रहा है, तो उसमें जो नौजवान है वो किस तरह से अपना भविष्य तलाश सकता है? फॉरेंसिक्स का मतलब होता है न्याय सहाय विज्ञान। सामान्यतया जब साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया जाता है, मेरे यहाँ लेबोरेटरी है जहां पर उनको अपराध घटने के पश्चात वहां पर कैसे क्राइम सीन पर किस तरह के साक्ष्य एकत्रित किए जाएं,
किस तरह से उसके नमूने को पैक किया जाए, कैसे उसको लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाए। विद्यार्थियों को एक प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त होता है जिससे कि वो अध्ययन काल से लेकर के और सेवा काल के बीच का जो एक अनुभव है उसको सीधा वहां जीते हैं। इससे उनको एक फॉरेंसिक मोबाइल लेबोरेटरी बनी हुई है जो कि केंद्र सरकार की एक परियोजना है। ढेर सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, जहां पर इस तरह की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उनको रोजगार का सुनियोजित अवसर प्राप्त होगा। बस अंतिम दो सवाल, अपना पदनाम और अपनी संस्थान का नाम बताते हुए आप बताइए कि अभी जो आपका गुजरात में है, अन्य राज्यों के साथ में भी आपका एमओयू साइन हुआ है, तो अभी फर्स्ट फेज के अलावा सेकंड फेज में आप पूरे देश में अपने कैंपस या इनकी सेंटर खोलना चाहते हैं, और दूसरा आपके यहाँ पर प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहती है? मेरे विश्वविद्यालय की एक क्लॉज है आरआरयू एक्ट 2020 का सेक्शन की उपधारा 4 है, जिसमें कि विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अन्य राज्यों में एक क्षेत्रीय कैंपस स्थापित करे, जिससे कि भारत के कोने कोने में अपितु विश्व में भी इस तरह के संस्थान को स्थापित करने का भारतीय संसद द्वारा अधिकार दिया गया है। हम खोल सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सवाल में भी पूछा, हमारा अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट कैंपस है, लखनऊ में एक कैंपस है उत्तर प्रदेश में, इसके साथ साथ अभी जल्दी में ही हम लोगों ने कर्नाटका सरकार के साथ किया है, शिवमोगा में स्थापित करने जा रहे हैं, पुडुचेरी में करने जा रहे हैं। और प्रवेश की प्रक्रिया कोरोना काल के पश्चात हम लोग एक स्तरीय परीक्षा कराने का आयोजन किए थे, लेकिन हम अब मेरिट के आधार पर जो 10+2 या 10+2+3 जो अभ्यर्थी हैं प्राप्त अंक के आधार पर उनको हम इसमें एडमिशन का प्रवेश का मौका देते हैं, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको अपने विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट के रूप में हिस्सा बनाते हैं, जिससे कि देश की सुरक्षा में, राष्ट्र की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में अपने को आजमाएं और देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। इसमें आरक्षण की प्रक्रिया रहती है कि जिन बच्चों को आरक्षण का लाभ बाकी जगह मिलता है, यहाँ भी किस किस वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? जहां तक प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की बात है, उनको जो भारतीय सरकार की जो आरक्षण नीति है प्रवेश के संदर्भ में विश्वविद्यालयों में, हम पूरी तरह से उसको लागू करते हैं। जहां तक किसी विभाग में उनको आरक्षण या वरीयता या छूट या माफी का सवाल है, हमारे यहां गुजरात सरकार ने राज्य पुलिस के भर्ती प्रक्रिया में सुधार करके वहां के विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से चाहे जिस स्तर की डिग्री प्राप्त करते हैं उनको 5 नंबर से लेकर के 15 नंबर के बीच में एक छूट देते हैं, और उनकी मेरिट में वो काफी आगे काम करता है। इसी तरह से दिल्ली पुलिस ने भी इसमें सुधार करके किया है। उत्तर प्रदेश और अन्य सरकार इस तरह की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आरक्षण नहीं बल्कि उनके कौशल, उनके विवेक और उनके पूर्व के प्रशिक्षण का एक उनको फल मिलता है, जो कि आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए एक कारगर और मील का पत्थर साबित होगा। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर से बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से और राज्यों में भी अपने कैंपस और सेंटर खोलें, हमारी बधाई और शुभकामनाएं। इसी धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि बिना आपके सहयोग के और बिना मीडिया कर्मी के सहयोग के हम देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकते। आप चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, हम आपसे काफी हौसला अफजाई लेते हैं, और सभी मीडिया कर्मी को स्पेशल थैंक्स आपको भी देना चाहते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।